तो दोस्तों ये हम अभी अपनी गाड़ी घर से निकाल रहे हैं, तो जाते हैं। वो जो मेरा दोस्त आ रहा है गिफ्ट का, बोल रहा था कि आपके लिए मैंने गिफ्ट रखा हुआ है, उसे रिसीव करते हैं, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद अली अक्सर सिलानी, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया कि अभी मुझे एक दोस्त ने कॉल किया है कि उसके पास कोई बर्ड पड़ा हुआ था, जो कि वो अपने बर्ड ख़त्म कर रहा था, तो वो मुझे बोल रहा था कि आप आके मुझे बर्ड ले जाएं, मेरी तरफ से आपको जो गिफ्ट है, तो उससे बर्ड लेने चलते हैं, तो आप फिर दिखाते हैं फिर। तो दोस्तों ये अवेलिया का मशहूर पॉइंट दोराहा, जिसको अवेलिया के लोग और अब्टबाद के लोग बखूबी जानते हैं और उनको पता भी है इनको हम दोराहा क्यों बोलते हैं। ये आपको एक जंक्शन दिखाते हैं, हम ये वाला ठहरे आपको दिखाते हैं, ये इस तरफ से इधर राइट हो रहा है और ये वाला लेफ्ट, ठीक। ये जो लेफ्ट है ये अब्टबाद शहर को जाता है और ये जो राइट है वो जाता है जी अवेलिया का, अवेलिया शहर को, इसकी वजह से इसको कहते हैं दोराहा। ये सामने अभी अयूब पुल हम क्रॉस ही करने वाले हैं, इससे थोड़ा सा आगे वो लोकेशन है जहाँ पर वो मेरा दोस्त आने वाला है और बर्ड्स भी लाने वाला है, वो भी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह, जैसे उसे रिसीव करेंगे इंशाल्लाह आपको फिर दिखाएंगे। ये दोस्तों हमारा अयूब पुल, ये वही वाली नदी दौड़ है जिसका हमने आपको एक व्लॉग में अपने घर के पास शुरू करवाया था, ये आगे तरबेला डैम तक जाती है। ये आप नज़ारे देख सकते हैं माशाल्लाह, ये हमारे अवेलिया की खूबसूरती। और दोस्तों ये वाला जो रास्ता ऊपर जा रहा है ये अवेलिया की हज़ारा यूनिवर्सिटी अस्ट, ये जैसे आपको ये ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ दिख रहा होगा, ये हमारे हज़ारा की और अवेलिया की एक और मेन लोकेशन है जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वो लोकेशन है जिसका उसने मुझे बताया हुआ था कि आप इधर आएँ, आपको हम बर्ड हैंड ओवर करेंगे, उसके बाद आज यहाँ से बर्ड ले जाएँ। अभी हम इधर खड़े हैं तो थोड़ा सा उसको मैंने कॉल किया, वो कह रहे थे थोड़ा सा मैं लेट हो जाऊंगा, तो आप थोड़ा सा वेट करें, अभी मजबूरी है वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करते हैं इतने वो भी आ जाएगा, फिर आपसे मिलते हैं, आपको दिखाते हैं वो कैसा बर्ड लाया है। अभी तक मुझे भी नहीं पता वो कैसा बर्ड लाया है, कौन सा है, क्या कलर है उसका, क्या एज है, अभी वो आता है तो आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह वो दोस्त जिसका मैं आपको बता रहा था गिफ्ट लेके आ रहा है वो आ चुका है और मुझे वो बॉक्स हैंड ओवर करके भी चला गया, अभी तक मुझे भी नहीं पता उसमें क्या है, तो चले हैं इसको देखते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। ये वो बॉक्स आ गया हमारा, बॉक्स जैसे खुला ये मुझे आपको अगर देख रहा हो, ये मेरे ख्याल में लव बर्ड का बेबी है, आपको दिखाते हैं अभी माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे ये आप देख सकते हैं ये लव बर्ड का बेबी है और पीच फेस का बेबी है, जो कि फ़िलहाल अभी इसके पार पूरे हुए हैं और ये बॉक्स अभी निकला नहीं होगा, इसको अभी लेकर हम चलेंगे घर, इसकी भरपूर केयर करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है ये हमारे पास सर्वाइव भी कर जाएगा। तो माशाल्लाह हमजा भाई आपका गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया, अभी चलते हैं घर और इसको सेट करते हैं, आपके साथ फिर शेयर करते हैं। तो दोस्तों आपको ये एक और जगह बताते चलें, जैसे ये ठंडानी बाईपास का बोर्ड लगा हुआ है नथे गली का, इससे आगे अभी अभी नया एक हमारे पास बाईपास बना है, उसका भी आपको एक क्विक सा व्यू दिखाते हैं और इंशाल्लाह हमारा इरादा ये है कि उसका एक अलग व्लॉग अपलोड करेंगे, जो कि वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रॉपर जब हम अपलोड करेंगे आपको प्रॉपर इसका टूर करवाएंगे। ये आपको थोड़ा सा क्विक सा रिव्यू बताएंगे पहले कि हमारे पास जो धमतोड़ बाईपास है उसका हम आपको दिखाते हैं, ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये व्यू, यहाँ से गाड़ियाँ इधर से मोड़ रही हैं, इसका आपको हम इंशाल्लाह प्रॉपर रिव्यू कराएंगे। तो अभी चलते हैं घर, अपने बर्ड को भी हमने उधर जाके सेट करना है जो नया है हमारे पास, फिर आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हम घर पहुंच चुके हैं, गाड़ी हमें इंटर कर ही रहा था आगे, सारी बच्चा पार्टी आपको नज़र आ रही है सारी खड़ी है, इनको पता था कि मैं कुछ लेने जा रहा हूँ, अब ये इंतज़ार में थे, ये अक्तस भाई क्या लेने गया हुआ है वो इसी इंतज़ार में खड़े हुए हैं कि अभी किसी तरह वो अंदर आए जल्दी जल्दी और हमें दिखाए वो कौन सा बर्ड लाया है। अभी चलते हैं फिर मिलते हैं आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों घर में पहुंच आया हूँ बर्ड को लेकर, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में बॉक्स, इसके अंदर बर्ड है, अभी तक वो छोटे बच्चे भी देख रहे थे कि अक्तस भाई क्या लाया, उनको भी दिखाते हैं, उनका रिएक्शन भी कैप्चर करते हैं इसमें क्या वो रिएक्शन देते हैं। ये जी इर्तजा शमीर आ जाओ, आपका बर्ड ले, ये आप देख सकते हैं ये कितने खुश नजर आ रहे हैं आपको, अभी इसके अनबॉक्सिंग करते हैं फिर दिखाते हैं। हसन ने कैमरा निकाल लिया और शमीर ये है बर्ड आपका,
आप इनकी रिएक्शन देख सकते हैं, कितने खुश होते हैं और उनको कितने पसंद होते हैं। आज से ना कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। ये देखो कह रहे ना, इसको खाना खाएंगे आप जरूर। चलो ठीक है तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं बर्ड हमारा आ गए, इसको सेट करते हैं। कोशिश करेंगे हम इसको आज से ही कुछ नरम करके गजा इसको दें, इंजेक्शन से हम इसको देने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी सारा बड़ा बर्ड है। जी आप देख सकते हैं तोते के आने से सारे बच्चे बहुत खुश हुए हैं। ये एक दूसरे के कंधे पे बैठे हुए, ये देखिए आप माशाल्लाह। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको हमने भी टेम कर लिए। ऐसी किसी चीज के लिए कि कोई ब्रीड जब आती है उसमें कुछ अपने घर के बच्चे भी शिफ्ट करेंगे, और ये भी अभी हमारे पास आ गए तो इसके अंदर शिफ्ट करते हैं। आपको आपके हाथ में रखूं? ये मेरे कपड़े फाड़ देना इससे सर। नहीं काटेगा, नहीं काटेगा। पकड़ लिया जी बर्ड, डर भी रहा है आप देख सकते। नहीं कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। ठीक हो गया जी, अभी इंतजार ही पकड़ा है, इसको कुछ भी नहीं बोले। ये देखें, ये हमारा बहादुर बच्चा है जिसने बर्ड अपने हाथ में उठा लिए। इसको अभी शिफ्ट करते हैं तो फिर इसको खुराक वगैरह भी देनी है, वो भी आप शेयर करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास थोड़े से नीचे बॉयल्ड चावल पड़े हुए थे, ये थोड़ी नर्म गजा भी है, हेल्दी भी है। ये इसको देने की कोशिश करते हैं, उम्मीद है ये खाएगा। अगर तो इसने ये एक्सेप्ट कर ली तो आगे हमारी कोशिश यही होगी कि इनको यही दें। इन्होंने एक्सेप्ट ना की, इसने खाना ना शुरू किया तो फिर इसको हैंड फीड ही प्रॉपर करवानी पड़ेगी, जो सीरियल है और प्रॉपर इनके फार्मूला होते हैं हैंड फीड के, वो हम ट्राई करेंगे। उम्मीद है पहले तो ये खा लेगा, तो इसको खिलाने की कोशिश करते हैं। इसको अपने हाथ से बाहर निकालते हैं। दरअसल इसका जो डर है हमारे हाथ में बैठने का, शायद वो भी ख़त्म हो जाए। इसको अभी खिलाने की कोशिश करते हैं। इसको खिलाना बड़ा मुश्किल होगा इंच, लेकिन ये थोड़ा 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 खाने की कोशिश कर रही है, आप देख सकते हैं। ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा खाने की कोशिश कर ही रहा है। उम्मीद है कि थोड़ा सा शुरू में तंग करेगा, लेकिन वक्त के साथ साथ ये सेल्फ की तरफ बढ़ता जाएगा। माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं, ये लगातार इसको खाने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा बहुत गिज़ा इसके पेट के अंदर जा भी रही है। माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं, ये भी प्रॉपर पहले से बेहतर खा भी रहा है, और इसको ये भी पहचान हो गई कि जैसे जैसे जहाँ पर फीड जाएगी उधर उधर अपना सर भी घुमा रहा है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, उम्मीद है जल्दी सेल्फ हो जाएगा। इसका फिर साथ पार्टनर भी लाएंगे और इससे ब्रीड लेने की कोशिश भी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। था उसके अंदर बर्ड पड़ा हुआ था, इसी के इस समेत ही हम इसको अंदर रखेंगे। कोशिश करेंगे इसके अंदर कोई ऐसा भूसा वगैरह या ऐसी कुछ चीज़ डाल के रख लें जिसके ऊपर ये कंफर्टेबल भी हो, और खुराक भी हम इसको इसी में ही देंगे। इसको चेक करते हैं, ठीक है जी डालते हैं सर। ये शमीम के आप अच्छा चले ठीक है। ये हमारे पास हो गया जी बर्ड, अभी इसकी खुराक का इंतज़ाम करेंगे। कोशिश करते हैं ऐसी खुराक इसके लिए मिल जाए जो कि ये बहुत शौक से खाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरी हसन, तो जैसा कि आपने देखा आज अगस्त भाई नया
पैरेट ले आए, लव बर्ड का बेबी है जो सेल्फ नहीं है, उसके किसी दोस्त ने दिया। तो जैसा कि आपने देखा है, हमने इसको पिंजरे में डाल दिया, अब इसके खाने पीने का कुछ करते हैं, देखते हैं। ये फीड लेके आए हूँ इसके लिए, ये नज़र आ रहा होगा आपको, इसको इधर रखते हैं, तब तक लव बर्ड को निकालते हैं बाहर, बेबी को। इसको हमने केज में रखा है, चलो जी आ जाओ। ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बेबी है, उम्मीद है जल्दी ये सेल्फ भी हो जाएगा। तो चलिए इसको कराते हैं फीड, आपसे हम मिलते हैं फिर। ये इसको उतारने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि फिर मुझे एक हाथ से कैमरा पकड़ना पड़े, एक हाथ से इसको स्पून के साथ में फीड कराऊँगा। ये इसको इधर उतार दिया, तो चलें। हेलो, देख सकते हैं माशाल्लाह स्पून में से खुद खाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो इसको खिला रहा हूँ मैं, इसके अंदर गंदम के दाने बिल्कुल बारीक करके उनका दलिया बना के, और बीच में थोड़ा सा चावल भी ऐड किए हैं हमने उबाल के। तो उम्मीद है ये इसके लिए प्रॉपर डाइट होगी फ़िलहाल, साथ साथ हमें इसको एक टाइम सीरेलैक भी देंगे, जिससे इसकी सही प्रॉपर नरिशमेंट होगी। ये देख लें आप कितने शौक से खा रहे हैं माशाल्लाह, जल्दी ये इंशाल्लाह सेल्फ भी हो जाएगा, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम कोशिश करेंगे इसको एंड टाइम करें, क्योंकि हैंड फीड पे लिया हुआ है, तो इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि एंड टाइम भी हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह कितने शौक से खा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा पानी की भी मिकदार ज़्यादा है, बहुत ना बहुत सख्त है बिल्कुल ये, ना बहुत नरम है, इससे ना इसको लूज मोशन लगेगी और ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड होगा इसे दिखाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, चलिए इसको खिलाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। जी दोस्तों, हमने लव बर्ड की बेबी को एक बार फीड कराया था, हम दूसरी बार कराते हैं। माशाल्लाह काफ़ी सारा एंड टाइम भी होने लग गए, इंशाल्लाह जल्दी ये एंड टाइम भी हो जाएगा। इसको देते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। जरा सा ये देखें, पहले ही वो बर्तन में से खाने लग गए, लेकिन हम इसको स्पून में से देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत शौक से खा रहे, बस कोशिश हमारी यही है कि इसको लूज मोशन ना लगे, वरना हमें इसको मेडिसिन देनी पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं कितना खुशी से खा रहे हैं। फिलहाल इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी नहीं होगी सीरेलैक में, हम बाद में इसका इंशाल्लाह होममेड एंड फीड बनाएंगे फार्मूला, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ये मेरे ख्याल में इसने खा लिया, पहले भी काफ़ी खाया है, शायद इसको भूख अब नहीं रही। चलें थोड़ी देर बाद डालेंगे इसको फिर। जैसा कि आपने देखा इसने कितने शौक से खाया है, तो ऐसे ही हम इसको इंशाल्लाह देंगे दिन में 3 बार, कोशिश करेंगे कि इसको लूज मोशन ना लगे और जल्दी से ये इंशाल्लाह ठीक हो जाए। इसको वापस रखते हैं केज के अंदर, आ जाओ देखें अभी आएगा, चढ़ गए। इसको रखते हैं वापस केज में, चलो जी आप जाएं अपने घर में वापस। ये अभी हाथ से उतने का दिल ही निकल रहा है इसका, चलें केज के अंदर रखती है इसको। ये जो इसका पीछे बॉक्स है, इसके अंदर हम कोशिश करेंगे गुस्सा वगैरह या ऐसी चीज़ डाल दें जिससे रात को अगर बारिश भी लग जाए, टेम्परेचर कम हो, तो इसको सर्दी ना लगे। केज करते हैं बंद,
जी तो दोस्तों आपने देखा है जैसे हमने इसको अभी हैंड फीड किया है, फार्मूला भी हमने खुद ही बनाया था, थोड़ा सा हमारे पास बना के चेक किया कि अगर इससे इसको ठीक फीड होती है तो ठीक है, नहीं तो हम इसके लिए लादा एक दोबारा से हैंड फीड फार्मूला बनाएंगे जिसके इंग्रेडिएंट्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और उसका सारा प्रोसेस भी शेयर करेंगे। और जिन दोस्तों ने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी उनके लिए लिंक का मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेस कर देते हैं, आप वहाँ पर विजिट करके हमारी पिछली वीडियोज़ भी देख सकते हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।